गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। सिप्ला के अंदर हमने एक शॉर्ट पोजीशन अपने क्रिएट की है। जस्ट फर्स्ट वाली जो हमारी रिजेक्शन कैंडल है 9:30 की कैंडल, इस कैंडल को अपनी मास्टर कैंडल में माना है और सेम कैंडल के हाई के ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया है। काउंट करने के बाद अपनी क्वांटिटीज रखी हैं और 1041.55 पर हमारी एंट्री है। सबसे पहले ट्रेड बुक ओपन करेंगे, यहाँ से अपनी ट्रेड बुक ओपन करके देख लेते हैं क्वांटिटीज़ वगैरह कितनी क्या है और इसका एंट्री और स्टॉप लॉस अभी हमने लगाया नहीं तो ओके। तो यहाँ पर पोजीशन बुक ओपन करते हैं। पोजीशन बुक में आप देख सकते हो 750 क्वांटिटीज है जिसको हमने शॉर्ट किया हुआ है 1041.55 के लेवल्स पर और स्टॉप लॉस लगाना है। तो इंट्राडे ट्रेड August 5 बाई ग्रासिम टारगेट जो भी हैं। ये स्टॉक है जो कि भी ग्रुप पर हमने शेयर किया था रात में डाबर का। बाई के लेवल और सेल के लेवल हमने यहाँ पर शेयर किए थे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप, वहाँ पर अच्छे स्टॉक्स जब भी हमको दिखते हैं वहाँ पर हम शेयर कर देते हैं। उससे क्या हो सकता है कि आपको एक अच्छा स्टॉक मिल जाएगा, लेवल्स मिल जाएंगे, बाई सेल जो भी है। लाइव मार्केट में मेरा सपोर्ट वहाँ पर जितना हो सकता है, अपना ट्रेड करने के बाद में जो समय बचता है तो वहाँ पर हम ज़रूर सपोर्ट करते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, आप ही के लिए वो बना है। तो वहाँ पर हर एक वो चीज़ हम अपलोड कर देते हैं जो कि हमें लगता है कि आपके लिए सही होगी। यहाँ से स्टॉप लॉस उठाएंगे। स्टॉप लॉस लगाने में देरी हुई है आज, स्टॉप लॉस लगाने में देरी हुई है आज। काफ़ी बार शुरुआत में से गलती होती थी, हम लिमिट ऑर्डर पर जाकर के स्टॉप लॉस लगाते थे। तो जैसे ही स्टॉप लॉस मतलब पुट किया तुरंत हम वहाँ से स्क्वायर ऑफ जो भी चल रहा होता है, प्रॉफिट में होते हैं प्रॉफिट, लॉस होता है लॉस, तुरंत बाहर। तो छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स होती है ना जो कि हम लोग करते रहे। कई बार होता है कि किसी को पुट बाई करना है तो वो कॉल बाई करके बैठा होता है। कभी कभी ऐसी गलतियां होती हैं, हो सकता है आप लोगों में से कईयों ने की भी हो। हमें पुट को शॉर्ट करना है, कॉल को शॉर्ट कर दिया, कॉल को शॉर्ट करना है, पुट को शॉर्ट कर दिया। हमें होना तो प्रॉफिट चाहिए था, ये लॉस क्यों हो रहा है? या कभी कभी होता है अरे हमें तो लॉस होना चाहिए तो प्रॉफिट क्यों हो रहा है? उधर देख रहे हैं जाकर के तो पता चल रहा है कि जो हमें करना चाहिए था जस्ट उसका अपोजिट हमने किया है। तो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है ना, इसको ध्यान रखना चाहिए, वरना इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से ऐसा होता है कि पूरे वीक का प्रॉफिट आपका फ्राइडे को लेकर के मार्केट चली जाती है। एंड 4300 के अराउंड का अपना प्रॉफिट इसके अंदर चल रहा है और स्टॉप लॉस और एंट्री वगैरह सारी चीज़ें हो ही गई हैं। तो स्टॉप लॉस एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 750 क्वांटिटीज़ का स्टॉप लॉस है, 1045.85 का स्टॉप लॉस पेंडिंग पड़ा हुआ है, 1041.55 पर हमारा एंट्री चल रही है एंड पोजीशन बुक में 3900 के अराउंड का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अभी आते हैं सिप्ला के ऊपर और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ सिप्ला के अंदर हुई है। क्या है प्राइस एक्शंस वगैरह, किस तरह के क्या बन रहे हैं और कैसे हमने 9:30 की कैंडल का यूज़ किया है, एक एक चीज़ हम बताएंगे आपको। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डे टाइम फ्रेम पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ कल की कैंडल देखिएगा और इसके पहले सेम लेवल को जब आप स्ट्रेच करोगे, बैक साइड में देखोगे जाकर के, तो आपको यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन एक नज़र आ जाएगा। मार्केट एक्चुअली यहाँ से कर क्या रही है, आप देख रहे होगे कि ये जो जोन अभी हमने ड्रॉ किया है, प्राइस इसके ऊपर एक्चुअली निकल नहीं पा रहा है। अपना ये वाली लाइन हमारे इस लेवल 1049.25 के नीचे प्राइस जब इस जोन को इसने क्रिएट किया तो इसके ऊपर की तरफ निकल नहीं पा रहा है। ये प्राइस के अंदर रिजेक्शन सेम लेवल से हमको शो हो रही है। तो प्राइस नीचे, फिर से देखिए कोशिश हुई, प्राइस हमारे नीचे गिर गया। फिर से देखिए पिन बार बनी और प्राइस नीचे। तो इस पिन बार के बाद मोमेंटम्स तो आप जानते ही हो। देखिए प्राइस बिल्कुल नीचे की तरफ गिर गया सबसे फर्स्ट टाइम। यहाँ से गिर जाने के बाद में फर्स्ट टाइम प्राइस हमारा एग्जैक्ट उसी लेवल पर है। यहाँ पर देखिए कल की मार्केट में इस तरह से प्राइस हमारा अप साइड की तरफ मोमेंटम किया था। अब क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम्स की जो संभावनाएं हैं वो यहीं से तो बढ़ सकती है ना। अब अगर प्राइस को नीचे की तरफ गिरना है तो यही वो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड एरिया या फिर एक्सपेक्टेड पॉइंट होगा जहाँ से प्राइस के अंदर के मोमेंटम्स मार्केट हमें शो कर सके। अगर इसको अप साइड की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, तो क्या करेगा ये कि प्राइस कल के हाई के ऊपर जाकर के ट्रेड एग्जीक्यूट करने लग जाए और कल के हाई के ऊपर ये ट्रेड करें, तब तो हम मान सकते हैं कि हाँ प्राइस हमारा ऊपर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन प्राइस जो हमारा ट्रेड कर रहा है कल के लेवल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। कल का प्राइस कि प्राइस पूरे बुलिश मोमेंटम के साथ हमारे एक रेजिस्टेंस लेवल पर है और इस रेजिस्टेंस लेवल पर हुआ क्या है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को हमें रीड करना होगा, कल की और आज की दोनों की ही कैंडल्स को। अब देखिए कल मार्केट ने क्या किया। अब हम लोग कल के चार्ट को क्यों रीड कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमने आपसे बोल रखा है कि प्राइस जब भी मेरा अप साइड की तरफ मूव करेगा ना, वो हमेशा अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ जाता है, स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए जाएगा। नीचे गिरेगा तो सपोर्ट्स को ब्रेक करते हुए जाएगा। हमें कब कौन से लेवल्स को मार्क करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ट्रेड के एनालिसिस में। अब प्राइस के ये वाले जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ने अप साइड के मोमेंटम हमें शो किए, तो हाई लो हाई लो, यहाँ पर देखिए प्राइस हमारा साइड व्यू हो गया, ना तो इसने लो ब्रेक किया ना हाई ब्रेक किया, और यहाँ पर आकर के इसने हाई ब्रेक कर दिया। तो कुल मिलाकर के क्या चल रहा था कि प्राइस पूरी स्पीड से, कल वॉल्यूम्स के भी अच्छे खासे ब्रेकआउट हुए थे और प्राइस हमारा हमारे रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच गया था। अब कल के कुछ सपोर्ट पॉइंट्स बने थे, देखिए ये कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट बने, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस अपसाइड की तरफ चला गया। वैसे ही जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना, इसके बाद में इसके पहले रेजिस्टेंस बना था, ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट बना, फिर देखिए लास्ट जो रेजिस्टेंस बना है मेरा, क्या हम मान सकते हैं कि कल का हाई ही हमारा सबसे लास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट था? समझ रहे हैं, मतलब कि ये जो ब्लैक वाली जितनी भी कैंडल्स सब हमने मार्क की हैं, सिर्फ 9:30 की कैंडल की मार्किंग्स को छोड़ करके जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे पास ये रेजिस्टेंस के पॉइंट्स हैं। अब हम इन सबको डिलीट कर देते हैं। प्राइस आज जो हमारा रिजेक्ट हुआ है एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस लेवल के नीचे, मतलब मेरे रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, और डे टाइम फ्रेम का जो अपना लेवल है हम इसके नीचे इसको ट्रेड करना चाहते हैं प्रीवियस डे की रेंज के अंदर। तो हमें ट्रेड भी जो एग्जीक्यूट करना होगा प्रीवियस डे की कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स को लेते हुए ही। तो इन पूरे ग्रुप्स में जो एक इंपॉर्टेंट कैंडल हमको मिली है उसके पास में ही हमने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। स्टॉप लॉस जस्ट हमने 9:30 की कैंडल के हाई के ऊपर रख दिया, क्योंकि अगर प्राइस इसके ऊपर गया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस हमारे इस ब्लैक वाली कैंडल, क्योंकि रेजिस्टेंस पॉइंट है ना जो भी हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इस रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर में जाकर के ट्रेड करने लगे। अब अगर प्राइस हमारा 9:30 की कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर देता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस फिर अपने कल के डे हाई को भी ब्रेक कर दे, और डे हाई को ब्रेक करने का मतलब फिर प्राइस के मोमेंटम्स चेंज हो जाएंगे। 9:30 की कैंडल ही हमारी इंपॉर्टेंट कैंडल है। हमने इसमें क्या देखा, इस पूरे स्ट्रक्चर के दौरान सेम स्ट्रक्चर ही हमने आपको एक दिन, सेम स्ट्रक्चर ही हमने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि प्राइस का एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो हम तो ये चाहते हैं कि प्राइस हमको हमारे रेजिस्टेंस लेवल पर मिले। अभी देखा था आपने किस तरह से हमने पास्ट में जाकर के प्रीवियस का एक लेवल, एक रेंज मार्क कर दी थी, फिर प्राइस उसी लेवल पर हमको मिला, और कल अच्छी तरह से मोमेंटम दिखाते हुए प्राइस हमारा एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल तक आ गया था, इस तरह से, है ना, यहाँ तक अगेन प्राइस हमारा पहुँच गया। अब हम अगर इसको ट्रेड करना चाहते तो, क्योंकि प्राइस हमारा हमारे रेजिस्टेंस लेवल पर है, अब हम अगर प्रीवियस हाई को एक रेजिस्टेंस लेवल मानते हैं तो इसे ट्रेड करने की जगह भी मेरी यही होगी। अब अगर प्राइस को अप साइड की तरफ निकलना है तो कल के डे रेंज को ब्रेक करके प्राइस हमारा ऊपर की दिशा में निकल जाए, बट प्राइस क्या कर रहा है कि प्रीवियस डे की रेंज के बाहर नहीं निकला, ये प्रीवियस डे की रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। हमने लोअर टाइम फ्रेम पर अपने कंफर्मेशंस लिए, प्रीवियस डे की कुछ कैंडल्स को रीड किया और यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये जस्ट हम बोल सकते हैं कि हमने ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड किया है। लेकिन ट्रेंड में रिवर्सल्स कहाँ से होते हैं, ट्रेंड में हम कब ऐसा मान सकते हैं कि प्राइस के मोमेंटम्स अब अपोजिट हो सकते हैं? आप जब निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी के अंदर के जो मोमेंटम्स हैं ये भी आपको अपसाइड की तरफ के दिख रहे हैं। डाबर को देख रहिएगा आप लोग, इंडेक्सेस एंड निफ्टी, देखिए निफ्टी ने क्या किया है, अपनी मॉर्निंग की जो मोमेंटम्स, इसकी बुलिश मोमेंटम्स हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, बट हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है वो जस्ट सिप्ला में किया है, ट्रेंड के अपोजिट, मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट, क्योंकि सिप्ला में बहुत कम चांसेस हैं कि प्राइस हमारा ऊपर जाए। हाँ, जा सकता है, चांसेस कम है। तो अपना भी स्टॉक देखते रहेंगे और डाबर को भी देखेंगे क्या मोमेंटम्स वगैरह होते हैं और किस तरह का ब्रेकआउट डाबर में शो करता है। बट ये मान के चलेगा कि अगर डाबर ने 579.85 के लेवल के ऊपर जाकर के ट्रेड करना अगर शुरू कर दिया, सस्टेन हो गया, तो यहाँ से आपको 1% के आसपास का मोमेंटम मिलेगा। वीडियोस यहाँ से बाहर निकलते, और बाहर निकलने का समय हो चुका है, सो फटाफट से अपनी ऑर्डर बुक में गए और यहाँ पर 10:45.85 इसका स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है इसको कैंसिल करेंगे। स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल करने के बाद पोजिशंस पर और ओवरऑल जिस वक्त का प्रॉफिट चल रहा है हमारा 5700 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। प्राइस एक्शंस हमारे क्या बन रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक कैंडल है छोटी सी, देखिए कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। लास्ट पूरा वीक एक तरह से बहुत बेकार वीक है, बहुत बेकार वीक। एक अच्छा सा ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था, वो भी लाइव ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं था, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद में वो हमने क्लिप रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर की थी। अच्छा ट्रेड पूरे वीक में, एक अच्छे ट्रेड के लिए हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यहाँ पर भी देखिए सिप्ला के अंदर आज के दिन इतना बेकार मूव, स्टॉक 1% में ही पूरे दिन घूमा है, 1% के मोमेंटम में कल का भी स्टॉक देखिए 8,000 कुछ रुपए तक का उसके अंदर में प्रॉफिट दिखाया था उसने, बट बाद में 6,500 या 5,000 रुपये लेकर के हम बाहर निकले थे। कल भी स्टॉक पूरी तरह से साइडवेज। आज की देखिए क्या है, 5,900 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आज भी चल रहा है। कोई बात नहीं, होने देंगे इसको। जब मार्केट है यहाँ पर कुछ भी होता है, अच्छा मोमेंटम भी मिलेगा, खराब का मतलब साइड मोमेंटम भी मिलेगा। तो कैसे हम इसको होल्ड करते हैं और कैसे इस प्रेशर को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, ये मायने रखती हैं चीज़ें। यहाँ से प्रॉफिट्स को बुक करते हैं 1033 स्क्वायर ऑफ NSC 1033.। चलिए ऑर्डर हमने लगा दिया है, ऑर्डर बुक 1033.30, ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी तक, कॉपी। चलिए यानी कि अब अगर प्राइस नीचे की तरफ निकला है, जो कि नहीं निकला, ओह ओके, देखिए टारगेट अपना कंप्लीट हो चुका है, बट टाइम की वजह से बिल्कुल एक सेकंड पहले हमारा यहाँ पर ऑर्डर कैंसिल हुआ है और प्राइस सीधे देखिए हमारे टारगेट पॉइंट पर है, फिक्स से अपसाइड की तरफ चला गया। 1033.30 लगभग 6,000 कुछ 100 या 6,200 या 100 का प्रॉफिट होने वाला था, बट कितना प्रॉफिट हुआ 5,600, लगभग 500 का लॉस। आई होप कि सेशन से ज़रूर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। संडे और सैटरडे 2 दिन हैं, अच्छी तरह से समझिए, सीखिए और जितना हो सके अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो मंडे को हम लोग मिलते हैं एक लाइव स्ट्रीम के साथ। कोशिश हम अपनी पूरी करेंगे कि मंडे को हम अपनी लाइव स्ट्रीम के ओपन करें और आप सभी लोगों को इन्वाइट करें। थैंक्स एंड वी विल मीट अगेन।